नमस्कार दोस्तों, मैं डीआरएक्स संतोष सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र हमारे घर, हमारी ज़िंदगी, हमारे कारोबार, हमारी नौकरी, हमारे व्यवसाय और हमारी दुकान, जहां कहीं भी वास्तुशास्त्र का प्रयोग किया जाता है वहां खुशहाली होने लगती है। वास्तुशास्त्र हमारी नैतिक ज़िंदगी को, दैनिक ज़िंदगी को और हमारे भविष्य को प्रभावित भी करता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र हिंदू धर्म में बहुत ही उच्च चीज़ मानी जाती है, क्योंकि ये ऋषि मुनियों का ज्ञान है जो वास्तुशास्त्र के रूप में वे अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ कर गए हैं। ये वे उपाय होते हैं जो मनुष्य को खुशहाल बना सकते हैं, उसके जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में ऐसे अनेक नियम बताए गए हैं जिनसे मनुष्य अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है, अपने परिवार में सुख और शांति लेकर आ सकता है और मनुष्य के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि धन अगर ईश्वर नहीं है तो ईश्वर से कम भी नहीं है। प्रत्येक गृहस्थ के लिए अपनी गृहस्थी चलाने के लिए धन की आवश्यकता परम आवश्यक होती है, और इसलिए पूर्व में भी अनेक ऋषि मुनि और आचार्य चाणक्य भी कहकर गए हैं कि गृहस्थ को धन की आवश्यकता अवश्य पड़ती है और उसे धन की बचत अवश्य करनी चाहिए। परंतु लोग कुछ न कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं कि उसके घर में धन टिकता ही नहीं है, अथवा टिकता है तो आता है और जाने के रास्ते पहले ही देख लेता है। तब व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी बातें वास्तुशास्त्र में दी हुई हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र बताता है कि वस्तु व्यक्ति को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, उसके घर में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त चीज़ों का सही स्थान क्या होना चाहिए और किस प्रकार से होना चाहिए। तब ऐसी चीज़ें सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित और अवशोषित भी कर सकती हैं, जिसका प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सितारों का भी असर होता है, सूर्य का भी असर होता है, क्योंकि सूर्य जब उदित होता है तो मनुष्य को प्रकाश मिलता है और अस्त होने के बाद वहीं अंधेरा होने लगता है। इसी प्रकार अन्य ग्रह भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं और यह प्रभाव वस्तुओं के द्वारा भी अन्य वस्तुओं पर पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में किस प्रकार की तस्वीरें लगानी चाहिए जिससे मनुष्य का जीवन सुखमय और उसके परिवार में कलह समाप्त हो जाए, उसके घर में शांति स्थापित हो और उसके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर एक, दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य की घर की रसोई में किसी भी प्रकार की कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक ही तस्वीर होनी चाहिए, माता अन्नपूर्णा की। दोस्तों, माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से कभी भी मनुष्य के घर में भोजन की कमी नहीं होती, अन्न की कमी नहीं होती। चाहे कितने भी मेहमान आ जाए, कभी भी वे खाली पेट नहीं जाते और अन्नपूर्णा का स्थान रसोई में ही होता है। इसलिए दोस्तों, मनुष्य की रसोई में, घर की रसोई में कभी भी अन्नपूर्णा के अलावा किसी अन्य देवी देवता की तस्वीर नहीं होती है या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने भी गलती से अपने घर में रसोई में किसी अन्य देवी देवता की तस्वीर लगा रखी है या अन्य किसी प्रकार की तस्वीर लगा रखी है तो उसे आज ही तुरंत हटा दीजिए। वहाँ सिर्फ माता अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाइए, ये बहुत ही शुभ होती है और जिसके कारण कभी भी आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है।
नंबर दो, दोस्तों अगर आपके परिवार में मन मुटाव चल रहा है, आपके घर में भाई भाई से लड़ रहा है या कोई भी संबंधी अन्य संबंधी से लड़ रहा है, इसका अर्थ है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी तस्वीर किसी जगह लगी हुई है जो कि अपना प्रभाव दिखा रही है। तब इस आपसी मनमुटाव को समाप्त करने के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अपने पूरे परिवार का एक फोटो अपने ड्राइंग रूम में अवश्य लगाएं, जहां सभी व्यक्ति निकलते करते अथवा बैठते हुए उसे देखें। जब सभी लोगों का फोटो एक साथ होगा और मुस्कुराते हुए होगा तो वास्तुशास्त्र के अनुसार उसका सकारात्मक प्रभाव सभी व्यक्तियों पर पड़ता है, जिसके कारण धीरे धीरे आपसी मनमुटाव समाप्त हो जाता है। नंबर तीन, दोस्तों अगर पति पत्नी के बीच संबंधों में दरार आने लगी है और उनके संबंध खराब होने लगे हैं, तब पति पत्नी के संबंध को ठीक करने के लिए व्यक्ति को अपने घर में अथवा अपने सोने के कमरे में, अपने बेडरूम में हंस हंसनी के जोड़े का फोटो अथवा अपने घर में राधा कृष्ण का फोटो अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों बेडरूम में राधा कृष्ण का फोटो के बजाय हंस और हंसनी के जोड़े का फोटो अवश्य लगाना चाहिए अथवा सारस के जोड़े का फोटो लगाना चाहिए। दोस्तों सारस के फोटो और हंस हंसनी का जो तस्वीरें होती हैं, जब वे ड्राइंग रूम में अथवा व्यक्ति के बेडरूम में लगी हुई होती हैं, तो यह उनके वैवाहिक जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देती हैं और उनके जो वैवाहिक जीवन में दरार आई है वह समाप्त हो जाती है। सारस और सारस की जोड़ी को कौन नहीं जानता, इसे विशेष रूप से बताया गया है कि जब किसी एक की मृत्यु होती है तो दूसरा भी अपने प्राण त्याग देता है, परंतु अपने साथी के बिना नहीं रहता। इसी प्रकार वास्तुशास्त्र कहता है कि जब सारस की तस्वीर व्यक्ति के बेडरूम में लगी हो अथवा हंस की तस्वीर व्यक्ति के बेडरूम में लगी हो, तो यह बहुत ही सकारात्मक प्रभाव उस दंपत्ति पर डालते हैं, जिसके कारण उनके मध्य जो भी कड़वाहट होती है वह समाप्त हो जाती है। नंबर चार, दोस्तों घर में लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर भी आप लगा सकते हैं अथवा अपने गले में आप कुबेर की तस्वीर भी लगा सकते हैं। भगवान कुबेर धन के देवता हैं एवं गणेश जी रिद्धि सिद्धि के देवता हैं और माता लक्ष्मी तो धन देने वाली होती हैं। दोस्तों इनकी तस्वीरें आप अपने गले पर अथवा आप अपनी तिजोरी में या धन रखने वाले स्थान पर रख सकते हैं। माता लक्ष्मी की तस्वीर होने से घर में धन की आवक जावक बनी रहती है अथवा गले पर धन की आवक जावक बनी रहती है। इसके अतिरिक्त गणेश जी के होने से वह धन शुभ होता है, और अगर आप अपने गले में भगवान कुबेर की तस्वीर लगाते हैं तो आपके घर में धन टिकने लगता है। दोस्तों धन घर में टिका रहे और आपके घर में कभी धन की कमी ना हो, इसलिए आप अपनी तिजोरी में अथवा गले में भगवान कुबेर की तस्वीर अवश्य लगाएं। दोस्तों ये हैं वे कुछ तस्वीरें जो मनुष्य को अपने घर में लगानी चाहिए, जिससे वास्तुशास्त्र कहता है कि आपके घर में खुशहाली आती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में बताएं। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।